गुड इवनिंग सो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें आनी चाहिए वो है क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज कौन कौन से? साइड एंगल, साइड आरएचएस, ये क्राइटेरियाज होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। वैसे तो हमें अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहली के 6 एलिमेंट्स दूसरी के 6 एलिमेंट्स के इक्वल प्रूफ करने हैं, तभी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। बट मैथमेटिशियंस ने कुछ थ्योरम्स बनाई कि आप कुछ खास तीन पहली के कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ खास तीन दूसरी के इक्वल प्रूफ कर दो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, मतलब रिमेनिंग तीन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू। इन गिवन फिग LM is equals to MN. LM is equals to MN. QM is equals to MR. ML is perpendicular to PQ. And MN is perpendicular to PR. Prove that PQ is equals to PR. और ड्रॉइंग क्या है प्यारे बच्चों? कुछ ऐसी से PQR and here it is an M point. यहां से perpendicular L, इसके ऊपर perpendicular है N. Come on guys, this is a given fig. वेरी गुड पर इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ध्यान से समझो जो गिवन है उसको मार्क कर लो। एल एम और एम एन इक्वल है, वेरी गुड। क्यू एम और एम आर इक्वल है, ये दो टुकड़े आपस में इक्वल हैं बस, और ये प्रीपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही है सबको आर एच एस से? देखो बच्चों ध्यान से, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, 90 डिग्री दोनों हैं, एनी अनदर साइड के इक्वल, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। ये समझ आया कि नहीं? ये पूरा लिख के दिखाऊं बच्चों? समझ आ गया? गुड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एल एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एल के साथ, एंगल के साथ तो एन ही फिक्स करना पड़ रहा है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज अगर हमारे पास एम क्यू है, यहाँ पे एम आर रखना है, अब एम आर को ऐसे भी रख सकते हैं और एम आर को ऐसे भी रख सकते हैं। कैसे रखें चेक कर लेते हैं। एल एम हमें किसके इक्वल रखना है? एम एन के, तो यही बनेगा पहला केस, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई इस ऑर्डर में। तो अब हम देख लेते हैं क्यू एंगल किसके इक्वल आ गया आर के। एल एम क्यू का क्यू ये वाला है थीटा वन, NMR का R ये वाला है थीटा वन, मतलब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए।
यहाँ पे थीटा टू लिख देता हूँ, हमने प्रूफ कर दिया थीटा वन थीटा टू के इक्वल है, बस हो गया काम। अब बड़ी ट्राइंगल में देखो ध्यान से, बड़ी ट्राइंगल में दिख रहा है बच्चों सबको, इस ट्राइंगल में सबको इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इक्वल। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी विल से पी क्यू आर के जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी पी आर, पी आर क्यू के जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी पी क्यू। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ हो गया है, था ना इजी? बात समझ आया सबको? कुछ भी नहीं था। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? यस सर, यस सर, यस। वेरी गुड। अगला अगला क्वेश्चन, सेकंड वन, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इज एन एल्टीट्यूड, AD is an altitude from A on BC. Prove that. हमने पहले भी किया हुआ है बच्चों, आज फिर से करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल B एंगल C के इक्वल फर्स्ट पार्ट, एंगल B AD bisect BC आपको पता भी है, अगर हम isosceles triangle से जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट करती हैं उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, मतलब मीडियन होता है, और वो ऑटोमेटिकली जिससे हम उसको ड्रॉ करते हैं उस एंगल का बाइसेक्टर भी होता है, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट भी करता है। ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, कम ऑन गाइस, नाउ इट्स अगेन टाइम टू डू द रिवीजन। अपनी टेस्ट की अच्छे से प्रिपेयर करना, आरडी के एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चंस, सारे बहुत अच्छे से करना, जिसके मार्क्स कम आते जाएंगे वो यहां से चलता जाएगा। वेरी गुड पर्व, इजी, बहुत इजी है मेरे हिसाब से प्रूफ करना। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सिंपल काम था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी और ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है, गिवन ही है। ए डी इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट कर रही है, ठीक है जी, कर दिया। हमें प्रूफ करना है बी सी के इक्वल होगा, एडी बी सी को बाइसेक्ट करेगा मतलब बीडी और डी सी इक्वल होंगे, एडी एंगल ए का बाइसेक्टर भी होगा मतलब ये एंगल के इक्वल होगा, बी एडी सी एडी भाई पता ही है, देखो कैसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिख रही हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, 90 तो है ही, एनी अनदर साइड कॉमन, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट By RHS, right hypotenuse side, तो ADB is congruent to D के साथ, तो D की position fix करनी पड़ी है, इसका D, अच्छा, और क्या B हमें दिया हुआ था AB, किसके equal? AC के equal, अच्छा, अब क्या करें? AD AD दिया हुआ था, तो A को इस तरफ ही लिखना पड़ेगा, C यहीं पे बच गया, AB AC के equal आ गया, valid होगी condition, अब देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा? BDDC के इक्वल प्रूफ करो, हो गया CPCT,
इन्होंने कहा एंगल बी ए डी, मतलब इसका एंगल ए, ए डी बी का एंगल ए, देखो क्या है, ए डी बी का एंगल ए, ये वाला किसके इक्वल है, इसका एंगल ए। अब इसके एंगल ए का मतलब है एंगल बी ए डी, इसके एंगल का मतलब है एंगल सी ए डी, इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो हम इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्स एंगल ए। देखो क्या बात समझ आई। अच्छा, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी इक्वल होंगे, इसका बी इसका सी, इसका बी मतलब ये देख लो सी इक्वल होगा। सब कुछ दिख गया सबको, बताओ बच्चों। वेरी गुड, नाउ अब देखो कुछ इनइक्वालिटीज, टॉपिक लिखो इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द लॉन्गर साइड हैज greater angle opposite to बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, देखना सोच के देखो। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल है, हम फील करेंगे को बड़ा कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली साइड क्या हो जाएगी, खुल जाएगी ना, साइड बड़ी हो जाएगी, जितना बड़ा एंगल उसके ऑपोजिट साइड उतनी बड़ी, समझ रहे हो, जितना छोटा एंगल उसके ऑपोजिट साइड उतनी छोटी, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, जितना बड़ा एंगल उसके ऑपोजिट साइड उतनी बड़ी, जितना छोटा एंगल उससे ऑपोजिट साइड उतनी छोटी, सीधी सी बात है, नहीं समझे। अब अगर आपसे मैं कहूं एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये है हमारे पास मान लो 30 डिग्री, ये है हमारे पास 80 डिग्री, ये है हमारे पास 100 डिग्री, आप बता सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो साइड्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइड्स को, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट वाली ए बी सबसे बड़ी, उसके बाद 50 के ऑपोजिट वाली, उसके बाद 30 के ऑपोजिट वाली, क्या बात समझ रहे हो बच्चों, सीधी सी बात। सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसका उल्टा, कि बड़े साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा, लिख लो इस बात को भी, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल the greater angle, the greater angle has the longer side opposite to it, has the opposite to it, सीधी सी बात है, जब साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा। अगर मैं अब आपसे कहूं कि ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, अब ये बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, भाई ये साइड अगर बड़ी रही है तो ये एंगल बड़ा रहा होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है, सबसे बड़ा एंगल ये एंगल ए, उसके बाद एंगल सी, उसके बाद एंगल बी, एंगल डी, क्या ये दोनों बात तो सबको क्लियर है। बताओ बच्चों, किसी को कुछ पूछना हो इसमें, एनीवन आस्क फ्रीली। अब लिखो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सिंपल बात है, ए बी सी. देखो इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी हमेशा किससे बड़ा होगा बच्चों? सी ए के हमेशा बड़ा. बी सी प्लस सी ए बता सकते हो किससे बड़ा होगा? बी सी प्लस सी ए हमेशा. बी सी प्लस सी ए किससे बड़ा होगा? बी ए. बी ए बी से. अच्छा अब सी ए प्लस ए बी किससे बड़ा होगा हमेशा? सी ए प्लस ए बी. बी सी से. सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. प्रैक्टिकली फील भी कर पा रहे हैं. अगर मैं मान लो ए पॉइंट पे हूं, ठीक है, मैं सी पॉइंट पे चला गया, पहले ए टू बी गया फिर बी टू सी गया, ऑब्वियसली ये अगर सीधा जाता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता ना, ये छोटा ही होता इनके सम से. छोटा है, बात समझ रहे हो बेटा? ये बात समझ आया सभी को? सिंपल सिंपल बातें और बेसिक्स हैं, मतलब दिख जाते हैं, ऑरली दिख रहे हैं, कोई प्रूफ भी नहीं है, और प्रूफ है भी बकवास से प्रूफ है, मतलब कोई इतना खास नहीं है कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कहीं. अच्छा अब आप ये देखो, देखना कितनी प्रैक्टिकल सी बात है. अगर एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है? अगर मैं पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं बाय डिफॉल्ट किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? Perpendicular distance की बात कर रहा हूँ ना, और ये shortest भी होगा, सीधी सी बात है. अगर आप यहाँ पे पहुंचे, obviously सी बात है, ये PD बड़ा होगा कि PM बड़ा होगा? PM बड़ा. आप ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि 90 hypotenuse is always the longest side, मतलब बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, ये दोनों एंगल्स तो छोटे ही रहने हैं 90 से, तो ये छोटा रहेगा 90 से, तो ये छोटा होगा सबसे. समझ रहे हो ना बच्चों? Yes. क्वेश्चन करें. क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे चीजों को, ठीक है? क्वेश्चंस में देखो, बड़े ध्यान से दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, थोड़ी जजमेंट लगानी होती है. इन गिवन फिग पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, शो डेट पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू. पी एस इज ग्रेटर देन PQ. PQRS. Come on, guys. नहीं बन रही बात क्या? देखो ध्यान से,
देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बड़े ध्यान से देखना ठीक है। पीक्यू और पीआर इक्वल है ये मानते हो, गिवन है, तो ये एंगल भी थीटा वन, तो ये एंगल भी थीटा वन। अब मुझे ये प्रूफ करना है पीएस ग्रेटर देन पीक्यू, पीएस ग्रेटर देन पीक्यू, मतलब मैं ये प्रूफ कर दूं कि पीएस के ऑपोजिट एंगल जो ये है वो बड़ा है पीक्यू के ऑपोजिट एंगल। पीक्यू का ऑपोजिट एंगल क्या है? ये वाला। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात तो समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। या फिर अब ये देखना ध्यान से, PS is greater than PQ, अब PQ किसके इक्वल है? PR के इक्वल ही तो है। मतलब मैं ये प्रूफ कर दूं PS greater than PR, मतलब जो ये वाला एंगल है वो किससे बड़ा? PR का ऑपोजिट एंगल क्या है? PS के ऑपोजिट एंगल ये वाला किससे बड़ा? PR का जो ऑपोजिट एंगल है। ना 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 बच्चा, ऐसे नहीं करना, एक ट्राइंगल में ही लगती है वो प्रॉपर्टी। अब ये बात देखते हैं थोड़ा ध्यान से, पी क्यू आर ये एंगल इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल है। देखो बेटा मेरा दिमाग क्या कह रहा है, कुछ ऐसे करना चाहिए, ये एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू एस, इस क्यू एंगल पे एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का, ठीक है। तो पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल आर होगा, मानते हो पी क्यू एस, क्योंकि ये तो पी प्लस आर के इक्वल था ना, आर से तो बड़ा ही है, बात समझ रहे हो ना? एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर का सम होता है, सिर्फ आर से तो बड़ा है। अच्छा अब पी क्यू एस के ऑपोजिट साइड क्या आ गई? ये एक ट्राइंगल में लगेगी, पी के और पी आर आ गए इक्वल, अगर ये इससे बड़ा आ गया तो मतलब ये क्यू से बड़ा आ गया। अच्छा तो क्यू इससे बड़ा था, हमें प्रूफ करना है पी एस और पी क्यू बड़े, पी एस बड़ी है मतलब ये एंगल और ये एंगल। अच्छा जी इसी बात है, देखो बेटा समझ लोगे मेरे हिसाब से, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल आर, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल आर, यहां तक ओके है। अब एंगल आर की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूं एंगल क्यू, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, ये बात ओके, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, क्योंकि क्यू और आर तो इक्वल ही है ना, बात ठीक है। yes, हमें पी क्यू पी आर के, अच्छा अब आप सोच के देखो जो एंगल क्यू है ये वाला, ये क्या होगा? एंगल क्यू खुद भी तो बड़ा है, किससे? एस और आर से, एस और पी से बड़ा है ना, ये जो ये वाला एंगल है पी क्यू आर, ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है, ये पी क्यू एस ट्राइंगल का, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल एस होगा, ये समझ रहे हो? एक ट्राइंगल में देख रहा हूं, पक्का समझ आया? अच्छा अब आप नंबर लाइन पे मार्किंग करो, नंबर लाइन पे मार्किंग करो, देखो पी क्यू एस बड़ा है क्यू से, तो पी क्यू एस कुछ इस तरफ होगा, क्यू कुछ इस तरफ होगा, क्यू बड़ा है एस से तो एस कुछ इस तरफ होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करेंगे ना, तो ऑब्वियसली सी बात है पी क्यू एस एस से तो बड़ा ही होगा, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल एस, ये बात समझ आ गया? देखो मैंने इजी बनाने की कोशिश की है पूरी पूरी, बात समझ आ गया? अब एक ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में पी एस क्यू ट्राइंगल में,
PSQ ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, एंगल PQS बड़ा है एंगल S से, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, PS बड़ी होगी, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, PQ, क्या बात समझ आया, PS बड़ी होगी PQ से। देखो बच्चों क्या समझ आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं है, PQS जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये R से बड़ा होगा क्योंकि वैसे तो इन दोनों का सम होना था, R से तो बड़ा ही है, अब PQS R और Q इक्वल है तो Q से बड़ा हो गया, Q है जो वो S से बड़ा है, क्यों, क्योंकि Q इस इन दो इंटीरियर्स का सम है, इसका और इसका, Q S से बड़ा हो गया, अब Q S से बड़ा है, Q से बड़ा PQS है तो PQS ऑटोमेटिकली S से बड़ा हो गया। अब एक ट्राइंगल में बोल सकते हैं, ट्राइंगल में कि एंगल बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी, छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड छोटी, एस के ऑपोजिट साइड जो होगी छोटी होगी PQ, लिख के देखो बेटा लिख के, फिर समझ आने वाली है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आज तक हम इक्वलिटी साइन को ज्यादा पढ़ते आए ना, क्या फिर भी बात समझ आया कुछ 5-10%? अब जब आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा धीरे धीरे, पर धीरे धीरे आएगा। तो जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं उनको याद रखना प्लीज, ठीक है, चलो और कर लेते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर लेंगे, डोंट वरी। नहीं लिखना तो आप थोड़ा अच्छे से लिख देना यार, स्कूल में देख लोगे वो तो, लिख तो लोगे यार, लिखने वाला काम नहीं मैं करता हूँ ज्यादा, क्या करूं वो भी, yes, मुझे sir, yes. नो नो सर, मैं वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा क्या हो गया, एक बार बताओ, एक बार दोबारा समझा दोगे लास्ट स्टेप समझ। अरे मैं सर, yes, मुझे भी नहीं समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नया करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वही होगा, उसी जुगाड़ से करेंगे खुद से दिमाग लगा के। 10% समझ आ गया था बेटा, Yes, sir, yes, थोड़ा सा आया था। बहुत है, अब थोड़ा सा इस पे अप्लाई करना, ठीक है, AB greater than AC दिया हुआ है, ये गिवन है, डोंट वरी, और आपको टू प्रूफ करना है AB greater than AD। अच्छा अभी आप एक बात समझ लो पहले सारे, छोटी सी, इसको रिमार्क्स में लिख लेना, ठीक है, बॉक्स साइड पे बना के। अगर एक ट्रायंगल है, मान लो समझो बेटा सारे, एक ट्रायंगल है, ये जो एक्सटीरियर सी होगा किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सटीरियर सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, भाई अगर सी ए प्लस बी से बड़ा है, ए प्लस बी के इक्वल है तो ए से तो सिर्फ बड़ा ही होगा ना, सिर्फ ए से तो बड़ा होना है, पक्की बात है, ये बात समझ आई सबको बेटा। अच्छा या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मुझे जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्सटीरियर सी बी से भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली सी बात है एक्सटीरियर सी ए से बड़ा है, एक्सटीरियर सी बी से भी बड़ा है, सही है, यस सर, यहां तक ओके है बेटा जब जी, यस सर, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्वेश्चन में बहुत यूज आएगी, खासकर इसमें भी और पीछे वाले में भी हमने यही किया, इसको ट्राई करो अब, जस्ट ट्राई इट वंस।
चलो बच्चों अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा ठीक रहे। गिवन से चलते हैं, ए बी ग्रेटर देन ए सी। देखना मैं जुगाड़ से साइड पे ना लिख लिया करो कि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। ए बी ए डी। सर आप म्यूट हो गए। एम आई ऑडिबल बच्चों? अच्छा चलो अब ये देखो ए बी ए डी से बड़ा प्रूफ करना है। एक ट्राइंगल को देखो। फिर से म्यूट हो गए। अरे रुक तो जाया करो यार, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी कभी कभी फोन आ जाता है तो, ना? Yes. अब ये ट्रायंगल में हमें अगर ए बी ए डी से बड़ा प्रूफ करना है, ध्यान से देखना बेटा सारे, ए बी ए डी से बड़ा प्रूफ करना है तो ए बी के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल ए डी बी को किससे बड़ा प्रूफ करना है? ए डी के ऑपोजिट ये वाला एंगल डी बी ए से। क्या बात समझ आया? मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। ये बात समझ आया ना? ऐसे क्वेश्चनों में ना जितने भी टू प्रूफ होते हैं लिख लिया करो कि अगर ये कर दूं तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया? अभी कुछ किया नहीं है, थोड़ा हल्का बना लिया क्वेश्चन को, मतलब समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा अब ए बी ग्रेटर देन ए सी ये गिवन है। अब ए बी अगर ए सी से बड़ा है बच्चों ध्यान से देखना, ए बी अब इस बड़ी ट्राइंगल को देखो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल को ध्यान से देखो। ए बी के ऑपोजिट एंगल, ए बी के ऑपोजिट एंगल ये वाला, इसको क्या लिखें? ए सी बी लिख लें। बड़ा होगा किससे? ए सी के ऑपोजिट एंगल ए बी सी से। देखो क्या बात समझ आया? ए सी बी बड़ा होगा ए बी सी से। ए सी बी इज ग्रेटर देन ए बी सी। एक ट्राइंगल में कह रहा हूं ना ये बात, ट्राइंगल में, ये याद रखना ट्राइंगल में, ठीक है? ये बात ठीक। अब बच्चों देखो हमें क्या लेके आना है, मैं चाहता हूं ये चीज बनानी ए डी बी और डी बी ए। डी बी ए ये ऑटोमेटिकली डी बी ए तो बना ही पड़े है, ये ए बी सी क्या है भाई? ए बी सी और डी बी ए में क्या कोई फर्क है? ये तो डी बी ए पढ़ा ही पढ़े, ये तो एक ही बात है। बात समझे कि नहीं? ये तो एक ही बात है, लिखने का ढंग था वो तो हम ट्राइंगल वो पकड़ी हुई थी तो उसके नाम से लिख दिया। यस सर। समझ रहे हो? अच्छा अब आप इसको कैसे उसमें तोड़ेंगे ए डी बी में? ये जुगाड़ है, यहां पे जुगाड़ है। देखना क्या जुगाड़ है, पहले समझ लो फिर अप्लाई करना आ जाएगा। जुगाड़ समझो बेटा सारे, हमें पता है जो ए सी बी है, ए सी बी ये वाला एंगल, अब जो ए डी बी है देखना क्या है। अगर आपको ए डी सी ट्राइंगल दिख पा रही है, ए डी सी ट्राइंगल देख पा रहे हो तो जो एंगल ए डी बी है वो एक्सटीरियर डी है ना, एक्सटीरियर डी, ये एक्सटीरियर एंगल ही है तो है इस ट्राइंगल के लिए। ये ग्रेटर होगा एंगल डी सी ए से या ए सी डी से, देख लो ध्यान से सारे। क्या दिख गया? यस ए डी बी एक्सटीरियर डी इज ग्रेटर देन इंटीरियर सी। ये बात समझ आ गया? यस yes. हो गया काम, हो गया काम। देखो ए सी बी, ए सी बी और डी सी ए तो एक ही बात है, ये तो ए सी बी ही तो है। ध्यान से देखो ये ए सी बी ही तो है। अच्छा अब देखना ध्यान से, नंबर लाइन पे मार्किंग कर लिया करो। ए डी बी इधर है, ए सी बी इधर है, ए सी बी से बड़ा है ना, और ए सी बी ए बी सी, ए बी सी से बड़ा है तो मैं क्या कह सकता हूं ऑटोमेटिकली? ए डी बी बड़ा होगा ए बी सी से। देखो क्या समझ आया, क्या समझ आया?